सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, सीधा रोड में फेंकने का सरकार का काम है। हम लोगों को मारने का प्लान बना रही है सरकार, इससे अच्छा ये काम करे, बुलडोजर लिटाल दे, बुलडोजर ऊपर से चढ़ा दे, फिर घर तोड़ दे। यही सुनेंगे, अगर वो बेशरम होगा तो नहीं सुनेगा। ये उन्हीं का निकाला हुआ योजना है ना, किसकी है, कौन सी सरकार निकाली थी, अब कहाँ गया सरकार, मुझे भी जानना है। हम कोर्ट जाने के लिए भी तो हमें निकलने नहीं दे रहे घरों से, क्या कहीं नहीं निकलने नहीं दे रहे। कल हमें ये तो एक अलग तरीके की बात आ गई कि घर से निकलने नहीं। आपको मैं बता रही हूँ, तीन बार धमकी दी गई है कि तीन बार धमकी दी गई कि तू घर से नहीं निकलेगी, चौथी बार बोला गया था, मैंने कहा कि मैं इस बार जाऊंगी बंद कर घर बनाने में। अभी घर बनाने के लिए आपने कर्ज लिया? हाँ, वो भी पूरा नहीं हुआ अभी, ठीक है। उसके बाद से हमने जो दिया है उन लोगों का जो खरीद वो लिए है वो भी नहीं पूरा हुआ है। अब अभी दिए हम तोड़ना खबर आ गई है तोड़ने के लिए। अब कर्ज लेके आप लोगों ने घर बनाया और अब उसको जो है तोड़ना, जेवर भी रख दिया गिरवी में कर्जा देने के लिए। इनको हमको बोला गया कि तुम लोग निकल लोगे, तुम बंद हो जाओगे, फिर बाद में उठा लेंगे तुम्हें, फिर बाद में हम बोलना मत। अच्छा, ये नेताओं जी बताइए, मोदी सुनता ही नहीं है, वो जनता से प्यार ही नहीं करता, मोदी सुनता ही नहीं है। नोटिस है आज तक 11 से 26 का, नोटिस है आज तक 11 से 26 का बिल्डोजर चलाने का, मोदी सुनता ही नहीं है। घरों को बसाने की जगह उजाड़ है। ये मोदी जी का जो है सबका साथ सबका विकास, नारी का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब अमीरों का साथ और अमीरों का विकास हो रहा है, गरीबों का साथ ना दिया जा रहा और ना ही गरीबों का विकास हो रहा है। ये नमस्कार, मैं हूं तस्कीन हुसैन और आप देख रहे हैं टास्क न्यूज। आपने तुगलक की फरमान तो सुना होगा, एक आदेश और सिर्फ कलम। अभी जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो तुगलकाबाद के लोगों की है, जहां 30,000 परिवार रहते हैं जिनको अचानक से जो है एक तरीके से तुगलक की फरमान ही कह सकते हैं कि नोटिस थमा दिया गया है कि 15 दिन के अंदर आप घर खाली करें। घर खाली तो कर सकते हैं लेकिन वो रहेंगे कहाँ, इसके लिए सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है। काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। मैम जरा ये बताएंगे तुगलकाबाद की क्या तस्वीर है, क्या परेशानी है सर? परेशानी है तभी तो हम लोग यहाँ पे आए हैं सर, नोटिस देकर गए हैं इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्या नोटिस है सरकार का, नोटिस में क्या है? नोटिस था 27 तारीख को तोड़ने के लिए, लेकिन हम लोगों ने केस में वो कोर्ट में केस फाइल किए हैं तो उन्होंने 10 मार्च तक का टाइम दिया है। अब सरकार का नोटिस ये है कि आप लोग घर खाली कर दीजिए। जी हाँ, घर खाली करने के बाद आप लोग जाएंगे कहाँ, इसके लिए सरकार का कोई है? मोदी के कोठी में आप, आपसे मैं बात कर लेता हूँ, आप बताइए क्या कह रही है आप? सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, सीधा रोड में फेंकने का सरकार का काम है। सीधा ये कह रहे हैं कि अच्छा एक चीज ये बताइए, आप लोग वहाँ कितने साल से रह रहे हैं? मैं कम से कम 20-22 साल। 20-22 साल से रह रही, तब तक सरकार 2001 में टूटा, मेरे सामने टूटा है वो जो कॉलोनी 2001 में टूटा था, तो मेरे सामने टूटा था, उस टाइम मेरे घर भी टूटे थे उस टाइम, ठीक है। अब क्या दिक्कत हो गई सरकार? आप पता नहीं, सरकार को ही पता होगा क्या दिक्कत हो गई। सरकार बोला ये अवैध कॉलोनी है, इसको हटाओ, हटाएंगे तो सब बाबू हम जाएंगे कहाँ, हाँ हम जाएंगे कहाँ, हमारे कुछ जगह तो दे हमें यहाँ से, भाई तुम वहाँ जाओ वहाँ बसो, तब तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ो मना नहीं है, सरकारी है तो तोड़ दो, लेकिन हमें बसाने का तो सोचो। जब हम जाएंगे, सवाल वही है कि इतने सारे लोग अगर उनका घर टूट जाए तो वो जाएंगे कहाँ? हाँ सही बात है, यही सवाल है हमारे, इसके लिए सरकार के पास, सरकार आगे कहीं बसाए, आगे कहीं बिठाए जो हम भी आराम से बैठ सके रह सके। भाई हम दो चार रुपए मांग के खाने वाले, ना माँ है ना बाप है, तो हम जाए तो जाए किसकी शहर में जिए, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, बाप दादा का कोई फैक्ट्री नहीं है हमारा, हमारा ये सरकार का फैक्ट्री चल रहा है, हर रेड लाइट में जाते हैं मांग के खाते हैं, यही हमारा है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं भाई। तो सरकारी आप लोग की माए बाप है, सरकारी संरक्षण है और सरकार जो है अब जो है वो जमीन खींच रही है सर से, जो छत खींच रही है, क्या कहें? सरकार हम लोगों को मारने का प्लान बना रही है, सरकार इससे अच्छा ये काम करे, बुलडोजर लिटाल दे, बुलडोजर ऊपर से चढ़ा दे, फिर घर तोड़ दे, यही कहना है हमारा, हम जाए तो जाए कहाँ, हमारा भी तो कोई सहारा करो, कोई किनारा करो, तब तोड़ दो, मना नहीं है, आपकी चीज आपके काम का चीज हो सकता है, अब तोड़ दो फिर ले जाओ अपना जमीन, लेकिन हमें कहीं पुनर जगह तो दे दो कहीं बैठने के लिए, जहां वहां बैठ सके हम रह सके, नहीं सबको उजा रोड में फेंक दे रहे हो,
ये तो अच्छी बात नहीं है सरकार का। वोट लेने का टाइम आया है, जहां झुग्गी वहां मकान, ऐसे मकान दिया जो हम धरने पे आके बैठ गए। अच्छा आप नेता की बात करें, आप जिस जगह से हैं तुगलकाबाद से, वहाँ बीजेपी के जो अभी विपक्ष के नेता हैं जुगल साहब, वही वहाँ के नेता, क्या कहना है उनको, आके कभी मुलाकात की उन लोगों? नहीं नहीं नहीं, गए थे सब, नहीं गए थे तो वहाँ से आप लोग मिलने गए थे? गए थे तो वो कोई सुनवाई नहीं किया, कहे तुम लोग जाओ, आप लोग मर जाए, मर जाओ। अच्छा एक सवाल छोटा सा है कि सरकार सुन नहीं रही है, ठीक है, और नोटिस थमा दिया गया है, आप लोग ऐसे हालत में क्या करेंगे, क्या होगा? क्या करेंगे, मरेंगे और यही धरना देंगे और क्या करेंगे बाबू, या मर जाए, मरे बुलडोजर के आगे मर जाएंगे। अगर शर्म होगी तो वो सुनेंगे, अगर वो बेशरम होगा तो नहीं सुनेगा। ये उन्हीं का निकाला हुआ योजना है ना, किसकी है, कौन सी सरकार निकाली थी, अब कहां गया सरकार, मुझे भी जानना है। ये तस्वीर देख लीजिए मोदी जी का, ये ऐलान, जहां झुग्गी वही मकान, मोदी जी ने आश्वासन दिया था, भरोसा दिया था, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं, और अब नौबत ये आ गई है कि इनका घर अगर टूट जाएगा तो ये जाएंगे, तो जाएंगे कहाँ, ना कोई इनको देखने वाला है, ना कोई इनकी फरियाद सुनने वाला है, मजबूरन लोग जो है वो दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। MM बात कर लेते हैं आपसे जी, तुगलकाबाद की अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति ये है, सारे घर परेशान है, बच्चों के एग्जाम है, बच्चों की पढ़ाई करवाएं कि इस टेंशन में अपने घर की लड़ाई लड़े, समझ में नहीं आ पा रहा हम लोगों को कि हम घर के लिए लड़े या अपने बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है, बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ दे सकते। हम तो दुखी है पर बच्चों को तो नहीं दुखी, अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं कि आगे हमारे बच्चों को कष्ट इतना ना भोगना पड़े। बच्चे को अगर बच्चा, माँ बाप टेंशन में रहेंगे तो बच्चा तो रहेगा ही टेंशन में, हम बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे अपने, ऐसी स्थिति में कहाँ। आप लोग काफी साल से रह रहे, आप कितने साल से रह रही हो? मेरे को हो गया 15 साल हो गए वहाँ पे, पहले हमारे सास ससुर रहते थे, अब हम लोग रह रहे हैं, पहले वहाँ पे गांव में हमारे सास ससुर रहते, बच्चे रह रहे हैं, लगभग 3 जनरेशन जो है। हाँ, उस जगह पर रहा, परवरिश बच्चे, हाँ खुदा, अब उस लोगों की जो है वो सर से जो है वो छत खींचने की सरकार कोशिश सरकार कर रही है। आप लोग नेता जो है वो बहुत लंबा चौड़ा भाषण देते हैं ना, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, सभी लोग जो है जब वोट की जरूरत होती है तो आप लोग के दरवाजे तक पहुंचे होंगे, और आज जो है आप लोगों का खींचा जा रहा है तो क्या होगा? हमारे घर नोटिस लगा तो हम नेता के घर गए, नेता ने ये बोला, मैंने तो हाथ जोड़ सके लोगों से कहा था कि यहाँ मत बसो और मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग जाओ यहाँ से, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, तो हम कोर्ट के दरवाजे में गए, हाई कोर्ट गए हैं, वोट लेने के लिए आप लोग के चरण में है, और जब आपकी हक की बात हुई तो आप कोर्ट का दरवाजा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, तो हम कोर्ट जाने के लिए भी तो हमें निकलने नहीं दे रहे घरों से, क्या कहीं नहीं जा, निकलने नहीं दे रहे कल हमें, ये तो एक अलग तरीके की बात आ गई कि घर से निकलने, आपको मैं बता रही हूँ, कल हमारे मतलब गांव में पता चला कि हम धरने के लिए जा रहे हैं, सडनली हमारे घर के पीछे रामलीला मैदान है, रात को 12:12 पे इतने बम पटाखे फोड़े गए जैसे कि घरों में आग लग जाती है, अब पार्किंग है, हम बिल्कुल डर गए, फिर घर से बाहर निकल गए, जाके देखा तो दिल्ली में 12, 11 या 10 बजे के बाद बम पटाखे फोड़ने अवैध है, पुलिस पकड़ लेके जाती है, पर 12 बजे जो ये बम पटाखे फोड़ने के पीछे क्या मकसद था, आप लोगों को डराना, डराने का मकसद था साफ साफ, आप हम लोगों को कभी रास्ते से रोक लिया जाता है कि नहीं करती है, ये उन्हीं के वहीं के लोग हैं, मतलब एक तरीके से उनके सो कॉल्ड गुंडे कह सकते हैं आप, नेताओं के गुंडे हैं। हाँ जी, उन्हीं के दबंग हैं जो लोग, वही करते हैं, उन्हीं के जो चेले हैं वही करते हैं, हम लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, घरों से नहीं निकलने दिया जाता, एक आदमी अगर जा रहा है किसी काम से कोर्ट जा रहा है तो उसको रास्ते से रोक के पकड़ के उसके घर छोड़ के जाते हैं कि तुझे बीच में नहीं आना है, तू क्यों नेता बन रहा है, ऐसे बोला तरीके से देश में, आप लोग जिस हिसाब से तस्वीर बता रहे, तो सीधा सीधा गुंडा राज है कि अगर आदमी जाने की कोशिश कर रहा है, अपने हक की बात कर रहा है लोकतंत्र के इसमें, जिसमें संविधान ने हक दिया है कि हम अपने हक की बात कर सकते हैं, 3 बार धमकी दी गई है कि तू घर से नहीं निकलेगी, 4थी बार बोला गया था, मैंने कहा कि मैं इस बार जाऊंगी, बंद कर लेंगे इनको, हमको बोला गया कि तुम लोग निकल लोगे, तुम बंद हो जाओगे, फिर बाद में उठा लेंगे तुम्हें, फिर बाद में हम बोलना मत। अच्छा ये नेताओं जी बताइए, मोदी सुनता ही नहीं है, वो जनता से प्यार ही नहीं करता, मोदी सुनता ही नहीं है, नोटिस है आता 11 से 26 का, नोटिस है आता 11 से 26 का बिल्डोजर चलाने का, मोदी सुनता ही नहीं है,
घरों को बसाने की जगह उजाड़ है देता, वो मोदी सुनता ही नहीं है, वो मोदी सुनता ही नहीं है। ये बता दो मोदी जी, 9/11 से 27 तक के लिए ऑर्डर उसने दिया, फिर जब उनकी बचाने की बारी आई तो क्यों है भाग जाता? मोदी सुनता ही नहीं है, बताओ मोदी क्यों नहीं सुनता? आप सीधा सीधा लोगों का आरोप मोदी सरकार पर कि मोदी सुनते नहीं, हालांकि वो अपने मन की बात जो है वो बहुत करते हैं। अगर सुनते तो वो हमारे बीच हमारी समस्या का समाधान करते, जिस समस्या से हम इतने दिनों से लड़ रहे हैं, घर में आ रहे हैं ये भी नहीं देख रहे कि हम खाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं, पति अगर काम नहीं करेगा तो हम कैसे खाएंगे, फिर भी हम लोग आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारी छत, हम कहाँ रोड पे बैठेंगे? तो ये मोदी जी का जो है सबका साथ सबका विकास, नारी का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब अमीरों का साथ और अमीरों का विकास हो रहा है, गरीबों का साथ ना दिया जा रहा और ना ही गरीबों का विकास हो रहा है। ये सुन रहे हैं मोदी सरकार, ये नारी का सम्मान, सबका साथ सबका विकास जो है, ये भी किसी की माँ है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, आज जो है इनको सड़क पे ला दिया गया है, और एक तरफ जो है वो नारी के नाम पर, और अलग अलग तरीके से देश में राजनीति खूब चलती है। देश की जनता से सीधा सा कहना चाहता हूँ कि आप जो है अंधभक्ति में ना चूमो, हकीकत देखने की कोशिश करें। मैडम आप बताइए, कर्ज जो हम लिए है घर बनाने में, अभी घर बनाने के लिए आपने कर्ज लिया? हाँ, वो भी पूरा नहीं हुआ अभी, ठीक है। उसके बाद से हमने जो दिया है उन लोगों का जो खरीद वो लिए हैं वो भी नहीं पूरा हुआ है। अब अभी दिए हम तोड़ना खबर आ गई है तोड़ने के लिए, अब कर्ज लेके आप लोगों ने घर बनाया और अब उसको जो है तोड़ना, जेवर भी रख दिया गिरवी में कर्जा देने के लिए, घर का जमीन बेचका के लिए कि तुम्हारे बच्चे यहाँ मतलब दिल्ली सुरक्षित हो, बच्चे का दिल्ली है, दिल्ली में बच्चे हमारे पढ़ेंगे अच्छा बनेंगे, लेकिन बच्चा अच्छा क्या बनेंगे, हमसे भी गए गुजरे उनकी जिंदगी हो रही है बच्चों की हमारी। मोदी सुनता ही नहीं है, जब बात है आती है कि जहां झुकी वही मकान, ठीक है, तो कहता है हाथ जोड़ के जहां झुकी वही मकान, वोट लेने के लिए तो वह सुनता, बाकी वो जनता की सुनता ही नहीं है, जनता से वो प्यार ही नहीं करता, क्योंकि मोदी सुनता ही नहीं है, क्योंकि जब मकान बचाने की जब बात है आती है ना, तो जब वो सामने नहीं आता वो पीछे ही छुप जाता है, क्योंकि मोदी सुनता ही नहीं है। अगर दम है तो सामने आओ और हमारी बातों को रखो और हमारे घरों को बचाओ, कहते हो ना जब झुग्गी वही मकान, जब हम बोलेंगे कि मोदी सुनता है नहीं, तो मोदी सुनता ही नहीं है, कानों में रुई लगा रखी है, माँ ने जब उसे पैदा किया था ना तो कानों में ढुड्डा लगा दिए थे, क्योंकि मोदी सुनता ही नहीं है, ठीक है। तो सुना आपने, ये माताओं का, महिलाओं का दर्द है और हजारों परिवारों का दर्द है, और सवाल लाजमी है, जब इस देश में प्रधानमंत्री अब कह लें कि अगर बाप ही झूठ बोले, अगर बाप ही बेईमान हो जाए तो बच्चे कहाँ जाएं, क्या होगा इनका भविष्य, आप क्या सोचते हैं? देश में हिंदू मुस्लिम होले होले और बाकी तमाम मुद्दे जो है खूब चल रहे, लोग बागेश्वर धाम का चमत्कार देख रहे हैं और यहाँ जो है एक तरीके से लोगों के हक का बलात्कार हो रहा है, आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं, शायद सरकार के कान में जूरेंगे और थोड़ा बहुत अगर इन पे हमदर्दी आ जाए, तरस आ जाए तो सार इनका भला हो, बाकी तो लोग सड़क पे आ ही गए हैं। फिलहाल के लिए दी मुझे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।